आप सबका गोपाल राजू का नमन। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या है, आदमी को प्रॉपर रास्ता नहीं मिल पा रहा, आदमी भटक रहा है इधर से उधर। और सबसे बड़ी दुविधा ये कि एक से एक बड़ा बैनर दिखाई देता है, एक से एक बड़ा बैनर। हमारे साथ श्री गोपाल नारसन, ये अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं उत्तराखंड, और मैं इनकी जितनी तारीफ करूं मैं कह नहीं सकता। एक वकील के प्रोफेशन में होने के बाद भी ये धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, इनकी बहुत बड़ी अच्छाई, और सदैव तत्पर रहते हैं कि कहाँ किस टाइप से कहीं भी सोशल वेलफेयर के काम किए जाएं, इसलिए सब जानते हैं इनको। मैं इनसे प्रश्न करूँगा, ये ब्रह्म कुमार संस्था माउंट आबू से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, और उसके लिए बहुत कर्मशील हैं। उसके लिए मैं जानना चाहूँगा कि अगर व्यक्ति कोई जाना चाहता है इस आपके मिशन में, क्यों जाए, वहाँ क्या मिलेगा उसको, ऐसा क्या है वहाँ अट्रैक्शन? ओम शांति। सबसे पहले तो मैं अवगत करा दूँ गोपाल राजू जी कि ये संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, जिसमें अध्यात्म का ज्ञान दिया जाता है, और ये संस्था वास्तव में परमात्मा द्वारा संचालित है। इस संस्था को कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर चरित्र निर्माण के क्षेत्र में ये अग्रणी संस्था है, और इसमें राजयोग के माध्यम से जो व्यक्ति है उसको आत्मज्ञान कराया जाता है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन, यानी मैं एक आत्मा हूँ और मेरा परमात्मा है, यानी सब कुछ परमात्मा से संचालित होता है। और यदि हम अपने देह मां भान को भूल जाएं, यानी अपने जो मेरा शरीर है, जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा मुंह है, ये मेरा नाक है, तो मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर के अंदर विराजमान है, और उसका जो स्वरूप है वो एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, एक सूक्ष्म ज्योति, प्रकाश, एनर्जी। वही प्रकाश, वही एनर्जी, वही स्वरूप परमात्मा का है, वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, मैं भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो जब मेरा परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा, कनेक्शन कब होगा? जब मैं परमात्मा की याद में रहूँगा, यानी राजयोग के माध्यम से हम, अब मेरी आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड हो सकती है। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, स्विच में जोड़ करके विद्युत प्रवाह मोबाइल के अंदर होता है और बैटरी चार्ज हो जाती है, ठीक इसी तरह से यदि मेरा राजयोग के माध्यम से परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है तो मेरी भी बैटरी चार्ज हो जाएगी। जो परमात्मा की जो रूहानियत है, जो परमात्मा की जो एनर्जी है, जो परमात्मा का जो सकाश है, वो मुझे मिलना शुरू हो जाएगा, और मैं भी एक परमात्मा स्वरूप के अनुसार, उनके अनुसार ही मैं भी एक, जो उनके अंदर गुण है, कहते हैं परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, गुणों के सागर है, वो सारे गुण मेरे अंदर समाहित हो जाएंगे और जो अवगुण है उनका अवसान हो जाएगा। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई आपने, मगर मेरा जो प्रश्न था वो नहीं आया इसमें। ये देखिए, एक से एक अच्छे धर्म, एक से एक अच्छा कल्ट, एक से अच्छे गुरु, एक से एक अच्छे महागुरु, है ना, एक से एक अच्छे, अब देखिए बैनर वाले दिखाई देते हैं, तो हम इसमें राजयोग में हम क्यों जाएं? इसमें क्या ऐसी, सभी अच्छे हैं, ऐसा कोई नहीं जो बुरा है। सबसे बड़ी बात है, जितने वेद पुराण हैं, जितने शास्त्र हैं, कोई भी गलत शिक्षा नहीं देता, मैं कह सकता हूँ इस बात को। हम जो, हमारे यहाँ जो राजयोग है, राजयोग का मतलब है कि अपने इंद्रियों के ऊपर राज करना, अपने स्वयं के ऊपर राज करना, उसको राजयोग कहते हैं। यानी हम अपने क्रोध को छोड़ दें, अपने अहंकार को छोड़ दें, हम काम को छोड़ दें, तो जितनी बुराइयाँ हमारे अंदर हैं, लोभ है, उन सबको अगर छोड़ देंगे और गुणों को धारण कर लेंगे तो वो ही राजयोग है असली। और हम राजयोग की शिक्षा देते हैं, यानी कि चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती है, और सबसे बड़ा व्यक्ति का जो आभूषण है वो चरित्र है। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि हम इंसान से देवता समान बन जाएं, देवता बन जाएं। देवता कौन थे? देवताओं जिनके अंदर गुण थे। श्री रामचंद्र जी कौन थे? उनके अंदर गुण थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं उनको। श्री कृष्ण जी कौन थे? 16 कला संपन्न थे, तो उनको, चूंकि उनके अंदर गुण थे इसीलिए देवता थे वो। तो हम भी यदि गुण को धारण कर लेंगे, सब गुणों का हम अंदर, अपने अंदर समाहित कर लेंगे, तो हम भी देवता बन जाएंगे। तो इंसान से देवता बनाने की
जो ट्रेनिंग है, इंसान से देवता बनाने जो सीख है, जो इंसान से देवता बनाने जो प्रशिक्षण है, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा दुनिया भर में 140 देशों में 8,500 केंद्रों के माध्यम से दिया जाता है। तो इसका क्या, मान लीजिए कोई एक लेमैन है, क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से प्रारंभ किया जा सकता है? सबसे पहली बात तो है गोपाल राजू जी कि इस संस्था के अंदर कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का आ सकता है और उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था है। यानी कि 7 दिन का एक कोर्स करना पड़ता है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं। हमारे 8,500 केंद्र हैं, कहीं भी किसी भी सेवा केंद्र पर जाएं और 7 दिन का राजयोग केंद्र पर जा करके उन प्रशिक्षण लें तो उनको पूरा ज्ञान हो जाएगा, एक प्रिमिनरी जो कहते हैं, और फिर निरंतर अभ्यास करते रहें। हमारे यहाँ एक ईश्वरीय ज्ञान आधारित वाणी आती है जिसको मुरली कहते हैं, नियमित उसका पाठ करें, नियमित उनको पढ़ें और हर रोज नया होता है। और जैसे आप ईश्वर आपको पढ़ा रहा हो, हमारे यहाँ तो ईश्वर ही पढ़ाता है, हम सब तो नियमित है, तो चूंकि परमात्मा वाणी है उसका अगर हम पाठ करते हैं तो जीवन में हमें जीने की कला, जो श्रीमद् भागवत गीता का जो मूल आधार है, वो वही ज्ञान, गीता का ज्ञान ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा हमें दिया था। 7 दिन का आपका ये प्रशिक्षण ले ले जी, उसके बाद में दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अभ्यास कर सकता है। हाँ बिल्कुल, नहीं सबसे बड़ी बात है ना, किसी केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं। केंद्र में जाने से अच्छा क्या होता है, जैसे मंदिर जाते हो, मंदिर में जाने के वहाँ की वाइब्रेशन अलग होगी, तो अगर हम आप केंद्र पर जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से अनुशासित रूप से बैठेंगे, अनुशासित। और बहन जी हमारी जो हर केंद्र पर जो निमित्त हैं इसको ईश्वरीय वाणी सुनाने के लिए, उनसे आप उनके श्रीमुख से सुनेंगे और वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, बाकायदा उसका विश्लेषण भी करते हैं, तो उनको सहज रूप से समझ आएगा। और वो देखिए सबसे बड़ी क्या है, ज्ञान सेवा धारणा, धारणा भी करना जरूरी है, ज्ञान प्राप्त करना और फिर धारण करना और फिर उसको सेवा में लगाना, 2-3 चीजें हमारी जो चीजें हैं उनके रास्ते पर चलना चाहिए हमको। यानी कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया और हमने दूसरे को दिया नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो हमें जो ज्ञान प्राप्त किया हमको दूसरे को देना चाहिए। हमारा जो मूल जो उद्देश्य है वो है कि कलयुग का अवसान होगा और स्वर्ग सतयुग आएगा, स्वर्ग का बसेरा होगा और हम सब स्वर्गवासी बनेंगे। क्योंकि अगर हमारे जो 4 चरित्र चेहरा, तीनों चीज हमारे सही होगी, हमारा मन बुद्धि संस्कार अच्छे होंगे, तो हम जो सतयुग में जाने के अधिकारी बन जाएंगे। ये आपका संचालित कहाँ से हो रहा है, इसका गवर्न? देखिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना 1936 में हुई थी कराची में, अब वो पाकिस्तान में है, और जो दादा लेखराज थे इसके संस्थापक, जिनको ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वो इसके मूल आधार थे। और उस वक्त इन्होंने 400 बच्चियों को लेकर के, छोटे छोटे नए नए बच्चियों को लेकर के, उनको 14 साल तक उनसे तपस्या कराई और वही आज हमारी दादियां हैं जो इस केंद्र को संचालित कर रही हैं। आज के जो इस संस्था की जो प्रमुख हैं वो जो हमारी गुलजार दादी जी हैं, वो प्रशासक, मुख्य प्रशासक है। इससे पहले दादी जानकी थी, उससे पहले प्रकाशमणि दादी थी, और उससे पहले अम्मा थी हमारी जगदम्बा सरस्वती जी, और ब्रह्मा बाबा थी। दादी जी का तो सुना है कि अवस्था उन्होंने शतक क्रॉस किया था। हाँ दादी जानकी 104 वर्ष होकर शरीर पूरा किया उन्होंने। हाँ। और सबसे बड़े वजह में दिव्य आत्मा है। तो इसमें आपका जैसे एक, मान लीजिए हम ये मान के चले कि एक लाइफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हेल्थ निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत गीता जिस तरह से हमें जीवन मूल्य को का प्रशिक्षण देती है कि इस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए, लाइफ स्टाइल हमारा क्या होना चाहिए, सुंदर जीवन के लिए। देखिए अगर हम सबसे बड़ी सीख क्या है हमारे यहाँ, हम सुबह उठें, हमारी दिनचर्या क्या हो, सबसे पहले जब हम उठें अमृत बेला में हमें उठना चाहिए, 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक अमृत बेला होता है। और यदि हम उठ करके सबसे पहले उस नियंता को जिसने हमें बनाया है, सृष्टि को रचना की है, यानी परमात्मा को अगर स्मरण करते हैं, उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उनको याद करते हैं और परमात्मा से वार्तालाप करते हैं, यदि हम राजयोग के माध्यम से मेडिटेशन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा दिन अच्छा जाएगा। अच्छा इसमें 2 चीज़ें और प्रश्न लोगों के उठते हैं, आदमी हर आदमी स्वार्थी है आज के ज़माने में, हर आदमी अपेक्षा करता है कि कोई गुरु मिल जाए, कोई धर्म गुरु मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए जो उसकी इच्छा की पूर्ति कर दे, क्योंकि आदमी जो रहता है ना एक भौतिक युग में जी रहा है, बिना इच्छा के आदमी कोई काम करेगा नहीं जल्दी। तो क्या इसमें कोई ऐसे भी तरीके हैं, कोई मंत्र हैं, कोई तरीके हैं, कोई प्रयोग है, कोई उपाय है कि उसको करके कोई आदमी की इच्छा पूर्ति हो? सबसे बड़ा गुरु कौन होगा? परमात्मा सबसे बड़ा गुरु है, और यदि आप परमात्मा को ही अपने गुरु मान लेंगे, वही पिता है, वही गुरु है, वही शिक्षक है,
तो उनको गुरु मानिए। आपकी इच्छा क्या है? आप हर आदमी चाहता है मैं खुश रहूं, तो खुशी वो देते हैं, सुख वो देते हैं, प्रसन्नता में देते हैं, आनंद वो देते हैं, तो सब कुछ तो दे रहे हैं वो, तो आप खाली आप मानिए तो सही, आप उनको याद तो कीजिए। इसमें हेल्थ मैनेजमेंट के लिए भी है बहुत अच्छा। देखिए शरीर मन बुद्धि संस्कार जो मैंने कहा ना कि अगर हमारा मन अच्छा होगा, हमारी बुद्धि अच्छी होगी, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, शरीर भी अच्छा होगा। और जो ज्यादातर जो रोग होते हैं वो मन से चलते हैं। अगर हमारा मन ठीक नहीं है तो हमें माने क्रोध आया, मतलब हाइपरटेंशन हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। तो अगर हम स्थिर चित रहते हैं, यानी हम शांत चित रहते हैं, आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो शांत रहना है। यानी कि जैसे आप रबड़ है कोई, आप खींचेंगे कितना खींच लेंगे, फिर वो अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी। इसी तरह से आत्मा भी हमारी शांत चित है और शांत स्वरूप उसका स्वरूप है, तो हम आत्मा के मूल स्वरूप में उसको रहने दें। जिस तरह से आदमी जो है ना, जो मनुष्य है, वो जन्म से क्या है, प्राकृतिक रूप से शाकाहारी है। क्योंकि मूल मंत्र क्या कहलाता है आपका? ओम शांति। ओम शांति। मैं एक आत्म स्वरूप शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ओम शांति। परमात्मा को याद करते हैं, अभिवादन करते हैं, बहुत बहुत ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना अच्छा आपने ज्ञान दिया। देखिए इसको वायरल करते हैं, सब लोगों में पहुंचना चाहिए संदेश वाला, और आप सब लोग भी देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, ओम शांति, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज क्लिक जरूर कर दिया करें। इससे गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियो बहुत सारी चीजें मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।